गुड इवनिंग सभी को। हम लोग काल वाला टॉपिक को फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट मीन्स उसके बाद। ठीक है, हम लोगों ने काल पढ़े थे रौलाट सत्याग्रह तक। ठीक है, दैट मीन्स गांधी जी जो है सत्याग्रह, तो गांधी जी ने अगर वर्ल्ड का बात करेंगे साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किए, इंडिया का बात करेंगे चंपारण से स्टार्ट किए, उसके बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, अहमदाबाद में, उसके बाद रौलाट एक्ट का विरोध में गांधी जी ने रौलाट सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। ठीक है, किंतु बाद में जब ये वायलेंट हो गया ये मूवमेंट सत्याग्रह, तो उसके बाद फिर गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट को कल्ड ऑफ करते हैं। दैट मीन्स गांधी जी का जो इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट स्टेज खत्म होते हैं रौलाट सत्याग्रह के बाद। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने रौलाट सत्याग्रह जो पास रौलाट सत्याग्रह जो किए, उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ, तो उसके बाद गांधी जी कल्ड ऑफ करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट को। ठीक है, तो सिंपल सा बात ये यही है कि जैसे कि एक छोटा बच्चा मम्मी का अगर दूध मांगते हैं तो नहीं पिलाते मम्मी, तो होता है यही कि बच्चा बिगिनिंग में रोते होंगे, मम्मी नहीं सुनते हैं तो हो सकता है पैर वगैरह थोड़ा सा वो जमीन पर वो पैर वगैरह उछलने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, नहीं होगा हो सकता है शीशे वगैरह तोड़ देंगे, टेलीविजन तोड़ देंगे, तो स्टेप इस तरह से बढ़ते हैं ना। तो गांधी जी ने भी यहाँ सत्याग्रह मूवमेंट को कलरफ्ट कर दिए। ठीक है, इसको विड्रॉ कर दिए जालियांवाला बाग का इंसिडेंट का बाद जो वायलेंस हुआ, तो उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट कल्ड ऑफ कर दिए, तो सत्याग्रह तक कल्ड ऑफ हुआ। ठीक है, अब गांधी जी सोच रहे थे कि कोई एक बड़ा सा मास मूवमेंट इंडिया में लॉन्च किया जाए ताकि ब्रिटिश लोगों को महसूस है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, मास मूवमेंट लॉन्च किया जाए, यही अपॉर्चुनिटी गांधी जी ढूंढ रहे थे। तो जहाँ इच्छा वहाँ तो कुछ ना कुछ उपाय तो मिल ही जाएगा, है ना। वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे कहते हैं ना, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 1919 में एक वर्ल्ड का सिचुएशन के देखेंगे। तो वर्ल्ड वॉर जो 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1919 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ, तो वर्ल्ड वॉर था किसी दो कंट्री का बीच का वार तो नहीं था, डिफरेंट कंट्रीज का यहाँ पर दो ग्रुप में बटा था। वन ग्रुप को कहते थे सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर में था जर्मन एम्पायर, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, हंगेरियन एम्पायर, ठीक है, वन साइड में एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ठीक है, दूसरे तरफ में था रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, इस ग्रुप को कहते थे एलाइड पावर। ठीक है, रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, ये वाला ग्रुप को एलाइड पावर कहते थे। और दूसरा ग्रुप जहाँ पर एम्पायर है, ठीक है, एम्पायर में जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, और ऑस्ट्रियन एम्पायर, ये ग्रुप को सेंट्रल पावर कहते थे। दो ग्रुप में बांटा गया था पूरा वर्ल्ड, और डिफीट किसका हुआ? सेंट्रल पावर का। दैट मीन्स सेंट्रल पावर का डिफीट हुआ, तो जर्मन एम्पायर हार गई, ठीक, ऑटोमन एम्पायर हार गए, है ना, ऑस्ट्रियन एम्पायर हार गए, और जीतने वाले कौन हो गया? लाइट पावर, वो कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, रशिया थे, यूएसए थे, तो वो लोगों को एलाइड पावर कह देते, वो लोग तो जीतने वाले थे, दैट मीन्स वो लोग तो जीतने वाले ग्रुप हो गए। ठीक है, तो दो ग्रुप में इस तरह से बटाया था। तो ओके, अब ये जो सेंट्रल पावर जो है जब हार गए, तो हारने वालों का हश्र तो आप वैसा ही होगा। जो हार गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जो एलाइड पावर जो था, वो लोगों ने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना। जितना भी वार हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो भी आपका लॉस हुआ,
उसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना एलाइड पावर ने जर्मनी को। तो जर्मनी को बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी वगैरह हुआ है जर्मनी के ऊपर में, बहुत ही जर्मनी को पूरी तरह से पूरा वर्ल्ड में जो है नंगा करने का काम किया है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि एलाइड पावर का अकॉर्डिंग जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। ठीक है, तो जर्मनी को बहुत सारा कंपनसेशन क्षतिपूर्ति भी देना पड़ा था। तो जर्मनी के ऊपर में बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुआ था। तो यहाँ पर क्या था कि अब जर्मनी का ऊपर में हुआ तो जर्मन एम्पायर के ऊपर में हुआ, तो जर्मनी के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर भी तो वॉर में इन्वॉल्व था, तो डेफिनेटली उन पर भी शायद ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होगा, है ना, उन पर भी कंपनसेशन वगैरह थोपा जाएगा, तो उनको ह्यूमिलेट किया जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर बात करते हैं ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर वहाँ का जो रूलर हुआ करता था उस समय ऑटोमन टर्क, वो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का रिलीजियस हेट हुआ करता था। रिलीजियस हेट, स्पिरिचुअल हेट, स्पिरिचुअल हेट, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में है आपका पैगंबर मोहम्मद, तो उनके बाद का जो रिलीजियस हेट जो है, तो ये जो आपका ऑटोमन टर्क का जो रूलर हुआ करता था उनको मुस्लिम कम्युनिटी का रिलीजियस हेट माना जाता था। दैट मीन्स इसको कहते हैं कैलिफ, CALIPH, इस्लाम में इसको खलीफा कहते हैं। ठीक है, तो वो रिलीजियस हेट हुआ करता था। तो अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए जर्मनी को तो सबक सिखा दिए जीतने वाले ने, ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, तो यही बात हुआ कि हारा तो जर्मनी दोषी हुआ। ओके, अब इसी तरह से फिर लोगों में जो मुस्लिम कम्युनिटी था इंडिया में, इंडिया का मुस्लिम लोगों को ऐसा लगा और इंडिया में ऐसा र्यूमर स्प्रेड हुआ, अफवाह फैला कि इन लोगों का रिलीजियस हेड जो है कैलिफ जो है इस्लाम में जिसको खलीफा कहते हैं, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का रिलीजियस हेड है, एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी का, पूरा वर्ल्ड का। जैसे क्रिश्चियन में पोप होता है ना, वो पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी का हेट होता है, इसी तरह से कैलिफ जो है ऑटोमन एम्पायर का जो रूलर जो है कैलिफ हुआ करता था। तो यहाँ पर र्यूमर क्या स्प्रेड हुआ इंडियन मुस्लिम में कि इन लोगों का रिलीजियस हेट पर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इम्पोज करने जा रहा है कौन, कौन जाएंगे, एलाइट पावर। एलाइट पावर में कौन है, इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रशिया है, यूएसए, तो बाकी को तो छोड़ दो, इंग्लैंड तो है ना, और इंग्लैंड तो इंडिया में भी रूल कर रहा था। इसीलिए इंडिया का मुस्लिम्स डिसअपॉइंटेड थे, यहाँ पर नाराज थे इंडिया का मुस्लिम ब्रिटिश से। तो इंडिया में टू अली ब्रदर्स, दो अली ब्रदर्स, टू अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, SHAUKAT, SHAUKAT, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये टू मुस्लिम ब्रदर्स जो है एक कमिटी फॉर्म करते, उस कमिटी का नाम है खिलाफत कमिटी, KHILAFAT, खिलाफत कमिटी फॉर्म करते ये लोग 1919 में। ठीक है, तो ये कमिटी क्यों फॉर्म किया, ये लोगों ने ये कमिटी इसीलिए फॉर्म किया ताकि ये लोग अपना रिलीजियस हेड कैलिफ जो है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए लोगों ने वो कमिटी फॉर्म किया और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया इंडिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट में, किसके द्वारा, मुस्लिम लोगों के द्वारा। और मेन मुस्लिम जो टू लीडर्स थे अली ब्रदर्स जिसको कहते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब गांधी जी तो यही तो अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, ठीक है, और ये अली ब्रदर्स जो है गांधी जी के पास भी गए और गांधी जी का साथ बातचीत करने लगे कि गांधी जी का सपोर्ट मिले उन लोगों को। ठीक है, तो गांधी जी का सपोर्ट मिले और गांधी जी तो यही चाहते थे कि जब मुस्लिम लोग हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट कहते कि नहीं, तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी डिसअपॉइंटेड है ब्रिटिशर से, यही समय है, इट्स द हाई टाइम, ये सटीक समय है कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करना। तो गांधी जी भी सोचते हैं कि अब एक और सा मूवमेंट स्टार्ट करना होगा पूरा एंटायर इंडिया लेवल में, सत्याग्रह मूवमेंट नहीं हुआ, थोड़ा सा उसमें कुछ एनर्जी बढ़ाना होगा, स्टेप बढ़ाना होगा। ठीक है, तो
ये गांधी जी डिसाइड करते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने को गांधी जी सोचते हैं, ठीक है। और गांधी जी सोचने से क्या होगा, गांधी जी तो सोचते ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय का बड़ा पॉलिटिकल पार्टी था, ओके, तो गांधी जी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, तो वो जो भी हो गांधी जी का डोमिनेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, किंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ऑलरेडी पार्टी तो था, पार्टी का सपोर्ट भी तो जरूरी है। तो गांधी जी डिस्कस करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी मेंबर का साथ कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो लोग नहीं चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो, क्योंकि वो लोग का डर था कि मूवमेंट वायलेंट ना हो जाए, और भी डर थे लोग, और भी बहुत सारा रीजन है कि ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। और बाद में जा करके नागपुर में जो महाराष्ट्र में है 1920 में जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, वहाँ पर कांग्रेस का लीडर्स में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और यहाँ पर सब लोग यहाँ पर रेडी होते हैं कि हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये 1920 में ये कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करेंगे। तो ये दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में, नागपुर महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का मीटिंग हुआ था, यहाँ पर सभी कांग्रेस लीडर्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और सपोर्ट किसको भी करेंगे, खिलाफत मूवमेंट को भी, ठीक। और जनवरी 1921 को नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होते, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होते खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए, तो जनवरी 1921 से नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होते इंडिया में। अब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन बोलते तो ये वर्ड है क्या, कोऑपरेट करो, आप सुनते होंगे ना अक्सर, कोऑपरेट करो दैट मीन्स सहयोग करो, ठीक है। नॉन कोऑपरेट मीन्स सहयोग न करना, असहयोग आंदोलन भी इसको कहते। तो नॉन कोऑपरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो एक बात आपको बता दूँ कि गांधी जी ने एक बुक लिखे थे, बुक तो और भी था, एक था 1909 में हिंद स्वराज बुक गांधी जी ने लिखे थे, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी है, वो अलग बात है। यहाँ पर 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखे थे हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज में गांधी जी ने, अगर आपको नॉन कोऑपरेशन का मतलब समझना होगा तो हिंद स्वराज बुक पढ़ना होगा। तो हिंद स्वराज में, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है तो आपको बता देते, तो उस बुक में गांधी जी ने क्या लिखे, गांधी जी ने लिखे है हिंद स्वराज में कि इंडिया में ब्रिटिशर्स लोग रूल करने के लिए सक्सेसफुल इसीलिए हुए थे क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों को कोऑपरेट किए, हम लोगों ने उन लोगों को सहयोग किए। तो सहयोग कैसे किए रूल करने में, नंबर वन, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने परचेस किए, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहे तो पैसा भेज रहे इंग्लैंड में, तो सहयोग कर रहे ना, कोऑपरेट कर रहे ना, तो नहीं करना चाहिए। किंतु गांधी जी का कहने का तो हम लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट को खरीद रहे, दैट मीन्स ब्रिटिश लोगों को हम लोग रूल करने के लिए सहयोग कर रहे। नंबर टू, ब्रिटिशर्स उस समय इंडियंस लोगों को डिफरेंट टाइप का टाइटल दिया करते थे, लॉलीपॉप, हवा मिठाई, लोगों को फुसलाने के लिए, ठीक है, तो डिफरेंट टाइटल दिया करते थे इंडियंस लोगों को ताकि वो लोग खुश हो जाए और ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ आवाज ही ना उठाए, तो इंडियंस लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। तो वो जो टाइटल्स वगैरह हम लोग एक्सेप्ट कर रहे ब्रिटिश द्वारा दिया गया, इसका मतलब हम लोग ब्रिटिश को कोऑपरेट कर रहे हैं, गांधी जी का कहना है। थर्ड, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई लॉ प्रैक्टिस कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, डिफरेंट जॉब कर रहा है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, कोई पुलिस में है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, कहने का मतलब हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को। तो नॉन को, तो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन है क्या, तो नॉन कोऑपरेशन का मतलब गांधी जी ने स्टेप वाइज इसको लॉन्च करने के लिए जो प्रोग्राम तैयार किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जितना भी टाइटल्स वगैरह ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को दिए है वो वापस करो, नॉन कोऑपरेशन का फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज, बॉयकॉट करो, किस चीज़ का बॉयकॉट करो, मतलब रिफ्यूज करो, ब्रिटिश गुड्स को रिफ्यूज करो, उसको खरीदो नहीं, इंडियन मेड्स गुड को खरीदो, ठीक।
इसी तरह से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकट करो। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हो, स्कूल छोड़ी, टीचिंग कर रहे, पढ़ाना छोड़ दे, लॉ प्रैक्टिस कर रहे, प्रैक्टिस छोड़ दे, ठीक है, बॉयकट करना, ठीक है। और लास्ट में अगर नहीं होता है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ये गांधी जी का कहना था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो अभी स्टार्ट नहीं होते, तो अभी इसको अलग रख देते, ठीक है, ये स्टेप था। तो ये 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने तो स्टार्ट किए, उस समय मोबाइल था नहीं, उस समय टेलीविज़न वगैरह इस तरह से था नहीं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर वगैरह का उस तरह का जो लोगों तक पहुँच था नहीं। तो गांधी जी नॉन कॉपरेशन का मतलब जो समझते थे, लोगों ने अलग अलग तरीका से समझे, बहुत जगह लोगों ने अलग अलग तरीका से समझे इसका मतलब, ठीक है। तो इसका अलग कहानी है, गांधी जी ने कहा क्या, लोगों ने उसको समझे क्या, अलग अलग तरीका से समझे। तो जो भी हुआ, तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसी तरह से गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए, लोगों ने अलग अलग तरीका से समझे, उसका अलग अलग इफेक्ट भी हुआ है, ठीक है। तो बहुत जगह वायलेंट भी हो गए ये मूवमेंट, ठीक है, बहुत वायलेंट भी हो बहुत जगह। तो इसी तरह से 1922 में चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा ये एक टाउन है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, एक टाउन है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, ठीक है। वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ कि एक पीसफुल प्रोसेशन पर पुलिस ने फायरिंग कर दिए, तो हम लोग भी चुप चुप बैठेंगे, तो गुस्सा है जो भीड़ ने क्या कर दिए, वहाँ जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। और जो पुलिस स्टेशन को जलाया, वहाँ पर जिंदा 22 कहीं लिखते, कहीं 23 लिखते, पुलिस में जिंदा जल करके मर गए, ठीक, जिंदा जल करके मर गए पुलिस स्टेशन का साथ साथ 22 कहीं लिखते, कहीं 23 लिखते, पुलिस में जिंदा जल करके मर गए। ये 4 फरवरी 1922 का कहानी है, ठीक है। मर गई तो क्या हुआ, क्या हुआ कहने का मतलब, हम इसको इजी वे में नहीं ले रहे, कहने का मतलब मर गया तो उसके बाद क्या हुआ, हम ये बोल रहे हैं। तो उसके बाद क्या होते हैं कि गांधी जी तो वायलेंस पर बिलीव नहीं करते थे, है ना, गांधी जी तो ऐसा व्यक्ति है कि अगर कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दो गाल। तो अब ये मूवमेंट तो वायलेंट हुआ, गांधी जी डिसअपॉइंटेड हुए, ठीक है। अब इस मूवमेंट का बात क्या होता है, ये 4 फरवरी में हुआ, ठीक है, 4 फरवरी में ये घटना हुआ था। तो उसके बाद ब्रिटिश लोग चुप थोड़ी बैठते थे। अब यहाँ पर क्या किया गया, उनमें से 172, अब वायलेंट यहाँ पर पुलिस को जला दिया गया, तो कौन लोग अब इन्वॉल्व थे, वहाँ तो हो गया ना छानबीन हुआ ना। तो उसके बाद 172 इंडियंस को उसमें दोषी पाया गया और उन लोगों को फांसी का सजा सुनाया गया। 172 को फांसी का सजाया, दैट मीन्स डेथ सेंटेंस सुनाया गया, किंतु उतना को डेथ सेंटेंस तो नहीं मिला है, डेथ सेंटेंस दिया 19 को, 19 को डेथ सेंटेंस दिया गया, क्योंकि वो लोग को दोषी माना गया, 19 को डेथ सेंटेंस भी सुना दिया गया, ठीक है। ये बुक में नहीं है ना, नाइन ना यहाँ पढ़ेंगे ना 10 में पढ़ेंगे, ठीक है, किंतु याद रखो 172 को फांसी का सजा सुनाया था, किंतु फांसी मिला 19 को, 19 को। और गांधी जी ये वायलेंट जब हो रहा था मूवमेंट, तो ऑफिशियल वे में गांधी जी जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 12 फरवरी 1922 को विड्रॉ करता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी इस मूवमेंट को विड्रॉ करते हैं ऑफिशियल वे में 12 फरवरी 1922 को। ये इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा का, ठीक है, इस चौरी चौरा का इंसिडेंट का बात ही गांधी जी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है विड्रॉ करते, गांधी जी का सेकेंड स्टेप खत्म, सेकेंड स्टेज खत्म। अब क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन भी हो गया ना, इसको भी वापस ले लिया ना, अब क्या करेंगे, वो स्टेप है, नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।